बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। खैरियत से सर, सब ठीक ठाक है? तो जनाब, आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आज कोई मैच नहीं था, तो इसलिए जाहिर है मैच में भी नहीं, लेकिन अब सेमीफाइनल्स की तैयारी है। वर्ल्ड कप का ये इंपॉर्टेंट मरहला अब आगाज होने लगा है, जिसमें इंडिया के मध्य मुकाबल होगा न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे सेमीफाइनल, और फिर देखते हैं फाइनल क्या होगा। और जाहिर है पाकिस्तान की टीम को लेकर भी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। इंजमाम साहब चीफ सेलेक्टर वो मुस्ताफी हो चुके टूर्नामेंट के दौरान ही, और आज बॉलिंग कोच मॉर्नी मर्कल का भी इस्तीफा अब से कुछ देर पहले आ गया है, जिन्होंने एक्चुअली दिसंबर तक कंटिन्यू करना था दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिसका आगाज 14 दिसंबर से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 14 दिसंबर से इसका आगाज है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, 7 जनवरी तक चलेगा, उसमें उन्होंने कंटिन्यू करना था, लेकिन 12 उन्होंने नहीं किया। सो जो बहुत सारी बातें हो रही हैं उसको लेकर हम जरा आगाज में, आज कराची में ही एक तकरीब थी जिसमें T20 वर्ल्ड कप की जो हमारी टीम थी वो सारी की सारी आई हुई थी, और वहाँ पर जो है वो बात हुई इस वर्ल्ड कप की भी, तो ज़रा उसकी एक झलक देखिए कि जो इस वक्त डिस्कशन चल रहा है कप्तानी को लेकर, गलतियों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर, उस हवाले से वहाँ पे हमारे कुछ स्टार्स ने क्या कहा था, दिखाइएगा। हमारे माशाल्लाह से बाबर आजम 3.5-4 साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता रहा, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी बाबर का फैन हूँ, बहुत सारे लोग बाबर के फैन हैं, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा बड़ा उसके ऊपर, कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते रहे, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सपोर्ट आप लोगों की तरफ से, इस पाकिस्तान की अवाम की तरफ से बाबर को, इस टीम को मिला 3 साल। मेरे ख्याल से बाबर के लिए, एज अ ब्रदर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा आपको पता है रिलेशन क्या है उसके साथ, मैं यही बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं, पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट चाहता है कि वो 24-25 हजार रन करे, अपने पे प्रेशर रिलीज करे, कैप्टनसी एक साइड पे करे, एज अ प्लेयर खेलेगा और अच्छा परफॉर्म करेगा पाकिस्तान टीम के लिए। आया उसका इम्प्रूवमेंट का ग्राफ जो है, एज अ लीडर, नॉट एज अ बैटर। वो अगर ऊपर गया है, उसकी कैप्टनसी ऐसी स्किल्स डेवलप हो गई है, ठीक है, लेकिन अगर वो ग्राफ वहां तक नहीं पहुंचा है तो फिर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वो एज अ प्लेयर खेलेगा तो वो ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। हम में से कोई, या मैं बाबर के अगेंस्ट हूं, बिल्कुल नहीं है, हमें पता है वो बेस्ट प्लेयर है। सो ये सारी की सारी बहस ही चुकी, जाहिर है अब आगे कप्तानी को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात होनी है। क्या बासित में वैसे कोई खबर है, कोई फिर कोई तज़िये पर आते हैं? खबर तो उधर होगी ना, खबर इधर होती है, आप बता। खबर ये है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई गैर मुल्की कोच नजर नहीं आएगा। अच्छा, और मुल्की कोचेज होंगे, और 2 दिन में आपको नए कोचेज नजर आ जाएंगे, यानी कि ग्रांट ब्रैडमन भी आपको नजर नहीं आएंगे, आपको एंडी फुटिक भी नजर नहीं आएंगे, आपको मिकी आर्थर भी शायद जो है वो टीम के साथ टीम डायरेक्टर नजर ना आए। अच्छा, तो ये तो नजर नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कौन आएंगे वो 2 दिन में फैसला हो जाएगा। इसके अलावा कल एक बड़ी बैठक जो है वो लगेगी PCB में, और असूली फैसला किया गया है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला है कि टेक्नोक्रेट्स जो हैं उनसे मशावरत करके ये फैसला किया जाए। ये अच्छी बात है, उनका अच्छा फैसला है कि खुद से फैसला नहीं कर रहे, यानी कि साबिक क्रिकेटर्स होंगे, जो साबिक क्रिकेटर्स होंगे, साबिक कप्तान उनमें यूनुस खान भी हैं और भी कुछ नाम है 3-4, वो मिलके वहां पे उनसे मशावरत करेंगे और फिर उसके बाद होगा। और बाबर आजम कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पे भी कल बात होगी। साथ आपको ये बता दूं कि बाबर आजम को भी बुलाया जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड के बड़े उनसे बैठकर ये बात करना चाह रहे हैं कि एशिया कप में टीम की परफॉर्मेंस, वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस और उनकी अपनी परफॉर्मेंस, दोनों इवेंट्स में अच्छी नहीं रही, तो इस पे बात होगी। अच्छा, ये अप्रोच कैसी है वैसे साबिक क्रिकेटर्स को बुलाने की? चूंकि यानी एक क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन कह रहे हैं कि जनाब अब देखें ना, वो उन्होंने बड़े गुस्से में कहा कि ये देखें जनाब, ये अब साबिक क्रिकेटर्स को बुलाएंगे और ये ड्रामेबाजी होगी कि ये वो, इस आप खुद कोई फैसला ही नहीं कर सकते इसका मतलब, तो उसको उन्होंने इस नज़र से देखा है। या आप रमीज राजा की बात कर रहे हैं? रमीज राजा जब खुद चेयरमैन बने थे तो कराची में उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स का एक बहुत बड़ा मेला सजाया था, फिर वो क्या ड्रामेबाजी थी। ये अच्छी बात है कि टेक्नोक्रेट्स को बुलाए जा रहे हैं। यूनुस खान ने इस मुल्क को 2009 का T20 वर्ल्ड कप जितवा के दिया हुआ है, बाकी भी जो खिलाड़ी हैं सबने अचीवमेंट की हुई है, तो उनको बुला के उनसे जो है वो बात की जाएगी और उसकी रोशनी में फैसले किए। मोहतरम रमीज राजा हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, द ग्रेट वसीम अकरम, मुइन खान, मिसबाउल हक, शुएब मलिक,
शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, बासित अली, अजहर अली, कामरान अकमल, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, अब्दुल रजाक, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, सिकंदर बख्त, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और भी बहुत सारे। ये सारे वो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनके स्टैट्स देखें, इनके रिकॉर्ड्स देखें, इन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है। अब ये हैं क्रिकेट के टेक्नोक्रेट्स। अगर क्रिकेट पर ये नहीं बात करेंगे तो सिर्फ आपके पास ये इख्तियार है, सिर्फ रमीज राजा के पास ये इख्तियार है कि वो आके कोई बात कर लें। क्या ये जो बात कर रहे हैं इनका क्या एजेंडा है? इनका वही एजेंडा है जो कौम का एजेंडा है, वो एजेंडा है कि पाकिस्तान टीम में बेहतरी हो जाए। ये जितने मैंने नाम लिए हैं, किसी एक ने कोई पर्सनल अगर जुमला कसा हो, कोई पर्सनल बात की हो तो बताएं, तो क्रिकेट के फ्लॉज बता रहे हैं। रमीज राजा, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उनका ये बयान सुन के कि वो जो है ना कह रहे हैं कि जी फैंस जो हैं वो इनको पढ़ जाएं। यार आप अपने व्यूज के लिए इतना गिर सकते हैं कि आप फैंस को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो इन तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये द ग्रेट हैं पाकिस्तान के, कि इनके बारे में आप मुहिम चला लें, एजेंडा शुरू कर दें, इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दें, सिर्फ इसलिए कि आपके व्यूज अच्छे हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि आप जो है वो एक दो खिलाड़ियों की नजर में अच्छे हो जाएं। जब आप चेयरमैन थे आपने क्या क्या नहीं किया? 2019 का आप ही जो फॉर्मर क्रिकेटर रमीज राजा साहब, 2019 में आपकी जुबान से ये लफ्ज निकला था कि बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तब वो एजेंडा नहीं था। आज ये सब बात कर रहे हैं जो क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो ये एजेंडा हो गया। आप बात करते हैं मीडिया की, ठीक है, कि अच्छा। मीडिया देखिए एक मिनट, आप मीडिया की बात करते हैं कि मीडिया जो है वो एजेंडा चला रहे हैं। इन तमाम बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स को बिठा के जो बात हो रही है ये एजेंडा है भाई? मीडिया नहीं, मुझे एक बात पूरी करने दें, ये एजेंडा नहीं है। हम मुल्क में बेहतरी चाहते हैं, हम चाहते हैं हम भी चैंपियन बने, और ये हमारे टेक्नोक्रेट बैठ के टेक्निकल बातें कर रहे हैं। आपने बड़े आराम से कह दिया इन सब के लिए, तो आपने कह दिया कि जी दो चैनल पे, आप अपने चैनल पे जो आपके साथ बैठते हैं आकिब जावेद साहब, उनका भी स्टेटमेंट देख लें, उन्होंने पहले बयान दिया था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाए, यानी कि शाहीन कप्तान बनेंगे तो बाबर की कप्तानी हटेगी। आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा बासिर भाई, इसमें आते हुए भाई, ये डिबेट होती है, हो रही है कैप्टनसी के बारे में, इसमें फॉर एग्जांपल आपका ओपिनियन या दो में से एक ही होगा ना, या आपका ओपिनियन ये होगा कि जनाब कप्तान इसको नहीं रहना चाहिए, बाबर साहब को, इनको नहीं रहना चाहिए, बाबर साहब को और वह खिलाड़ी अच्छे हैं, कप्तान नहीं रहना चाहिए, तो ये ओपिनियन भी मोर देन वेलकम है। या होता है आपका ओपिनियन ये होगा कि नहीं जनाब ये बिल्कुल गलत तनकीद है और इन्हीं को रहना चाहिए, ये भी ओपिनियन मोर देन वेलकम है। यू कैन, एनी वन ऑफ यू कैन हैव एनी ओपिनियन, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप ये कह दें कि जनाब ये जो ओपिनियन दे रहा है एक चैनल पे बैठ के, या तो आप उन्होंने कह दिया कि दो चैनल पे बैठ के जनाब वो एजेंडे के तहत चल रहा है। तो मुझे वो इन्होंने बात की तो याद आ गया, हमने खुद अपने उस वक्त के प्रोग्राम में चलाया था क्लिप जब वो बैठ के बाबर पे शदीद तनकीद कर रहा था, जो कि उनका राइट है, बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर कोई उस वक्त ये कहे कि रमीज भाई किसी के एजेंडे पे थे, तो मैं उसको भी गलत कहूंगा कि नहीं यार ऐसे कैसे, आपने दिल में झांक के देखा है कि एजेंडे के तहत कर रहे हैं या जेन्युइन समझे कर रहे हैं, तो इस पर कॉमेंट कीजिए। और ये भी कि वो जो बात कर रहे हैं कि जी साबिक क्रिकेटर से बात नहीं करें, तो फिर किससे बात करें? मतलब फिर वो किस इख्वान और मुस्लिमून से कोई लोग बुलाएं, किससे बात करें अगर साबिक क्रिकेटर से बात नहीं करनी? तो चूंकि वरना मैं क्रिटिसिज्म सुनता हूं कि जनाब देखो बोर्ड में जनाब क्रिकेटर की तो सुनी नहीं जा रही, अपना ही सेटअप सब ले आए। अब जब क्रिकेटर्स को बुलाना भी गलत है तो फिर किसको बुलाएं, फिर क्या करें? पहले उससे पहले एक जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ। उस लिस्ट में राशिद लतीफ का भी नाम होना चाहिए था। हाँ हाँ बेशक, राशिद लतीफ, मोहम्मद हफीज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उमर गुल, बहुत सारे और नाम हैं, श्योर, ऑफ कोर्स। जो बात रमीज भाई ने कही ना, वो ये बात साबित कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स के लिए तो बात कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म हो रहा है, तो रमीज भाई जो बात बोले उससे तो ज्यादा साफ पता चला है वो ज्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ सुने होंगे, अगर मैं फिर पहले चला जाता हूँ, जब सरफराज कोट आया जब तो रमीज भाई का बयान नहीं आया था, नहीं आया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि अब फैंस को आगे आना होगा? भाई कोई लड़ाई थोड़ी हो रही है, जो बाबर के फैन है वो भी सर आंखों पर उनका बहुत एहतराम है, जिनकी ये राय है लोगों में से होता है सारे के सारे समझते हो बाबर को कप्तान रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत एहतराम है इस राय का भी, किसी की राय नहीं होना चाहिए वो भी ठीक। ये लड़ाई थोड़ी के सारे फैंस सामने आ जाए, कैसे कह सकते हैं आप यार? प्रॉमिस टू गॉड मैं अपने व्यूज के लिए नहीं बोल रहा, मैंने 8 साल पहले ये बात कही थी कि बाबर को उसकी बेहतरी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कप्तानी से हट जाए और अपनी बैटिंग पे ध्यान दे। इसी तरह मैंने मिसबा के लिए कहा था, जब मिसबा तीनों चीजें उसको मिली थी ना, सही है, तो मैंने मिसबा को फोन भी करा था, मिसबा इसी नीचे ही बैठता है, आप पूछ लीजिएगा कि मिसबा एटलीस्ट एक चीज आप अपने पास रखो, ठीक है, चीफ सिलेक्टर भी आप हो, हेड कोच भी हो, तो फिर आप मतलब इंसाफ नहीं कर पाओगे, टीम भी आपने बनाई है, हार भी आप रहे हो, तो कौन गलत हुआ? सही है, तो उसमें भी मैंने ये बात बोली थी
देखिए बाबर मेरे भाइयों जैसा है, था है और हमेशा रहेगा मेरा पसंदीदा है। सही। मैंने एक दो बातें और भी बोली हैं जो शेब साहब को बुरा लगा कि सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगा, लेकिन उसकी उसके लिए बेहतर है मेरा कैमरा ये ना। आज मैं सामने बोल रहा हूँ भाई आपको, बॉबी बेटा कैप्टनसी से स्टेप डाउन करो, आप बहुत बड़े बैटर हो, आप दुनिया में बहुत नाम कमाओगे, बनना आप नहीं है, दोबारा जुमला बोल रहा हूँ, 2 या 3 साल बाद आप नहीं बनना है, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दो, आप कप्तानी पे ज्यादा ध्यान दे रहे, जिसकी वजह से आपकी बैटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी कामरा में अगेन, और मैं चाहूंगा कि जिस तरह हमने बाबर के वाले से बहुत बात की है और सबने अपने ओपिनियन दे दिए, आप चाहें तो उस पर भी ब्रीफली कमेंट कर दें, लेकिन इसमें मैं नहीं कह रहा इट इज नॉट अबाउट बाबर और सरफराज और एक्स वाई जेड, लेकिन एक फॉर्मर क्रिकेटर जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हो, वो भी हमें तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, आप लोग हैं वो भी क्रिकेटर हैं, आप लोग भी क्रिकेटर, वो आकर ये कहते हैं कि जो क्रिकेटर्स ये ओपिनियन दे रहे हैं वो कोई भी ओपिनियन हो, मैं ओपिनियन की बात ही नहीं कर रहा, जो क्रिकेटर्स ये ओपिनियन दे रहे हैं वो क्रिकेटर एजेंडे पर हैं, और अब फैंस को सामने आकर उनको जवाब देना चाहिए। ओ यार ये कोई लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है ये क्या हो गया, मतलब जहाँ वो बैठे हुए हैं ना वो यही चाह रहे हैं जहाँ से उन्होंने ये बयान दिया, इंडिया से बैठे पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी फैंस को हमने सामने कर रहे हैं, मतलब तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। बींग एक्स क्रिकेटर, एक्स कैप्टन, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अपने कुलीग के मुतालिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि फैंस आके पकड़ लें उनको, उनकी राय जो है अच्छी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। जैसे शुएब ने बताया कि सब किसी प्लेयर ही पे कोई बात नहीं करा, चाहे हमारा चैनल हो, हमारा पैनल हो, चाहे दूसरे, सिर्फ कैप्टनसी पे बात करें, प्लेयर्स पे तो मेरे ख्याल से ऐसी परफॉर्मेंस हमने देखी नहीं अपनी लाइफ में जैसे बाबर ने करके दिखाई है। लेकिन ऐसे करना, मेरे ख्याल से माइंडसेट ऐसे सेट करना, हम ये सुनते आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से कि झूठ इतना बोलो, इतना बोलो, इतना बोलो, अगला सच समझना शुरू कर दे, आपको सच समझना शुरू कर दे, वो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है क्रिकेटरों के लिए, हमारे एक्स क्रिकेटरों के लिए, उनकी बड़ी सर्विस है पाकिस्तान के लिए, बड़ी अचीवमेंट है, उसमें ये भी आते हैं, स्टिल हम इज्जत करते हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, उनकी राय है, लेकिन ऐसे फैंस को खिलाफ करना, अपने एक्स क्रिकेटरों के लेजेंड के खिलाफ जो हमारे भी लेजेंड हैं, हमारे भी बड़े हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बींग ए पाकिस्तानी, बींग ए क्रिकेटर, हमें ये शोभा नहीं देता, हमारे खिलाफ भी बड़ी बातें होती हैं, हम अपने फैंस को बुरा भला नहीं कहते, ये उनकी राय है, लेकिन रमीज भाई ने ये बात की है, हमें रियली बड़ा दुख हुआ। असल में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रमीज भाई अगेन, व्हिच इज वेरी वेरी हाई, जो कामरान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यानी इस सब के बाद भी अगर कोई एक बंदा भी उठ के उनके मुंह पर नहीं, अगर सोशल मीडिया पे भी उनको कोई एक भी गलत जुमला कहता है तो आई वुड कंडेम दैट कि नहीं भाई ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ओपिनियन दे रहा है तो मिसाल के तौर पर जब आप लोग क्रिकेटर थे, जब आप क्रिकेट खेलते थे, मुझसे आज भी कोई पूछे मेरा पाकिस्तान का फेवरेट कमेंटेटर आज मेरा रमीज राजा है, किसी की राय सही होती किसी गलत हो सकती है, मैं पसंद करता हूँ उनकी कमेंट्री। क्या आप लोग जब खेल रहे होते तो कभी उन लोगों ने आप पे तनकीद नहीं किया, तो क्या वो एजेंडा था, क्या वो आप लोगों का मोराल गिरा रहे थे, अगर आज तनकीद करना एजेंडा है तो जमाने में कैसे ठीक था? नहीं, बहुत बहुत सारी बातें हमने सही हैं, यू नो वो भी उस में शामिल होते थे जब वो क्रिटिसिज्म कर रहे होते थे। आई थिंक जब आप कर रहे होते हैं ना आपको शायद एहसास नहीं होता कि आप क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन शायद आप जब पीछे से बैठ के टीवी पे देख रहे होते हैं तो आपको शायद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लग रहा होता है। बहुत सारे वाक़ियात ऐसे हैं जो मैं यहाँ शायद ना जिक्र करना चाहूँ, जिससे हम एज ए प्लेयर, मैं पर्सनली नहीं, एज ए टीम भी हम बड़ी दफ़ा हर्ट हुए हैं, एज ए ब्रॉडकास्टर उन्होंने एक दो चीज़ें ऐसी की थी जिसकी वजह से हम हर्ट हुए हैं, तो जिंदगी आगे बढ़ी। तो मैंने ऐसा बयान भी देखा था, पता नहीं दिलों का हाल कैसे बदला, कुछ करेक्ट में फहम रहा हूँ कि पता नहीं इनके चेहरों से लगता है इनको तो हारने का कम ही नहीं, कुछ ऐसा भी बयान मुझे याद आता है, ऐसा था ना, हार रहे थे और लाइव, पता नहीं दिल में झांक के कैसे देखा उन्होंने, लाइव ही प्लेयर से उन्होंने पूछ लिया, पाकिस्तान के प्लेयर थे ना यार, तो आई थिंक एक जगह कहते हैं कि यू नो आप जब आप प्लेयर बाहर निकलता है और वो बिल्कुल गिरे हुए होते हैं, जी देखें जी ये गिर गए हैं, अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा बेहतर करके आते हैं और दुख अंदर होता है, लेकिन वो फिर आगे से कमेंट आ जाता था ये इनको दुखी नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आती, समटाइम आप सिर्फ जो है कान इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, दोनों तरफ से तनकीदी होनी है, तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत नज़र आई हैं, पास में भी नज़र आई हैं, लेकिन अब ये ऑल ऑफ अ सर्टन अब क्यों तकलीफ ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो अब तो ये जो सवाल उठा है, सवाल इसका आपके पास जवाब है कि ऑल ऑफ अ सर्टन क्यों आप क्यों? मेरे ख्याल है रमीज भाई ने गलत बात बोल दी, क्योंकि वो भी उसी फैमिली से, क्रिकेटिंग फैमिली से ना, तो उन्होंने अपने आप के लिए ही ये बात बोल दी, हमारे लिए बोली या नहीं बोली या किसी और चैनल, क्योंकि जब वो कह रहे एक्स क्रिकेटर एक्स, तो वो भी वही है ना, वो भी कप्तान रह चुके हैं। हाँ। और जो फैंस वाली बात बोली कि फैंस अब आ जाएं बाहर। हाँ। तो भाई ये